गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी। और देखते हैं कि आज हमारी टीम क्या क्वेश्चंस लेकर आई है। और वी हैव अ कैंडिडेट हु वांट टू गो विद आरआरबी। पर हम अपने आरआरबी कैंडिडेट को पहले बता दें कि आज तुम्हारे पास दो स्पेशल मेंबर्स है। वन इज हु इज गोइंग फॉर स्केल वन एंड अनदर मेंबर हर नेम इज इला एंड शी इज गोइंग फॉर स्केल टू आरआरबी। ओके, सो तुम्हारा जो आज जो इंटरव्यू देने का वे है ये बहुत अच्छे से जज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये छोटे से पैटर्न के अंदर तुम बहुत कुछ बता पाओ और जवाब जितना हो सके अच्छे से दो। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि देखिए आप आरआरबी के लिए जा रहे हैं तो एक बात और एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगा, वो ये है कि आप नाबार्ड के बारे में बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि आरआरबी और नाबार्ड का कोरिलेशन है कहीं ना कहीं बहुत सी बातों में, अगर आपने नॉलेज हो तो। आपको तो क्या आप इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं? यस सर। चलिए पहले नाबार्ड के बारे में बताइए और उसके बाद उसके कोरिलेशन। यस कमल सर, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके। ये सर 12 जुलाई 1982 को बना था सर। कैसे फार्ड कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी उस टाइम, इस कमेटी के अध्यक्ष सर बी शिवरमन और सर नाबार्ड के इतना ही पता है आपको? ओके, क्या लगता है भावना, क्या ये सफिशिएंट है कि कुछ और एडिशनल गेन कर सकते हैं हम बातें? सर इन्होंने नाबार्ड के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स बताए, बट नाबार्ड के साथ ये कोरिलेट कर सकते थे कि आरआरबी को फाइनेंसिंग नाबार्ड करता है। okay. तो वो बैकबोन का काम करता है। okay. तो उस अकॉर्डिंग आप आरआरबी तक उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, यू आर अ साइंस कैंडिडेट, ओके यू आर अ मैथमेटिक्स कैंडिडेट, तो बिल्कुल आपसे कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह मैं चाहूंगा आप कुछ पूछें इनसे। थोड़ा सिंपल से शुरुआत करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ याद हो तो आपको? पाइथागोरस थ्योरम वो सर एक समकोण त्रिभुज पे लगती है जिसके सर दो भुजाएं समान होती है जिसका कर्ण। थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज, ये लेडीज की आवाज ज्यादा आ रही है तुमसे तो ज्यादा। सर इस फॉर्मूला का पूरा मीनिंग ये होता है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण की जो भी है सर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है वो इन दोनों की स्क्वायर के बराबर होती है। कर्ण का स्क्वायर इन दोनों की भुजाओं के बराबर, स्क्वायर के बराबर होती है। ओके, चलिए हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं आपके इंटरव्यूज में। गर्ल्स यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस प्लीज फर्स्ट। रेपो रेट से आप क्या मानते हैं? रेपो रेट का मीनिंग होता है मैम रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ये अभी करंट में 6.5 चल रही है। रेपो रेट वह रेट होती है जिसपे कॉमर्शियल बैंक 2 दिन से लेकर 90 दिनों तक बैंक से मनी उधार लेता है, कॉमर्शियल बैंक आरआरबी से उधार लेता है। यह सर टोटल 0.5 अमाउंट एनडीटीएल का इतनी रेपो रेट पे ले सकता है। अगर इससे अधिक 2% तक उसे एनडीटीएल का चाहिए तो 90 दिन से कम ही हो चाहे पर बैंक रेट पे मिले। एनडीटीएल क्या है? एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यानी डेली बेस पे कितना कमर्शियल बैंक में जमाएं हो रही है, कितना वो लोन दे रहा है या फिर जमाएं निकाल के दे रहा है, जो दिन के लास्ट के अंदर जितना भी उसके पास सरफेस अमाउंट बचता है वो एनडीटीएल कहलाता है। ओके, आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है? आरटीजीएस सर नेशनल नेट डिमांड एंड यस You can help. National Fund Electronic Transfer. That is NEFT. NEFT. And RTGS is? Real-time gross settlement. Okay. अब आप डिटेल में बता सकते हैं? इसके अंदर सर एंड कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ RTGS और NEFT के अंदर सर ये होता है कि RTGS के अंदर अपने सर 2 लाख तक की अमाउंट ही भेज सकते हैं सर, ये नेट पे डिपेंड करता है। और जो RTGS होता है वो ग्रोथ सेटलमेंट पे होता है, वो वन टू वन पेयर पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से पैसे। दोनों में से कौन सा फास्ट होता है? ग्रोथ सेटलमेंट RTGS या RTGS। ओके, और कितनी अमाउंट मिनिमम करनी होती है इसमें ट्रांसफर? ग्रोथ RTGS के अंदर अपने कोई यानी मैक्सिमम मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, बल्कि वो उसके NDTL के अंदर ये होता है कि अपने सिर्फ 2 लाख तक की अमाउंट भेज सकते हैं। NDTL और NEFT? It is NEFT. NEFT, sorry. And it was also on that कि NEFT के अंदर आप 2 लाख तक की कर सकते हो, it's okay, but RTGS में कम से कम 2 लाख की अमाउंट होनी ज़रूरी है। 2 लाख से ऊपर के RTGS के थ्रू जाएंगे, उससे नीचे के NEFT तो है ही है फिर हमारे पास। चलिए आपका इंट्रोडक्शन दीजिए अच्छे से।
सर आई एम विकास कुमार और मैं अपने नाम के अनुरूप हूँ सर. आई कंपेटिटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस. मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर और मैंने अपनी बीएससी ग्रेजुएशन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया. मुझे नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना सर मेरी हॉबी है. मुझे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सोल्व करना भी पसंद है सर और मैं मोटिवेशनल बुक पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है सर. मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं. रिसेंटली मैंने द सीक्रेट पहली बुक कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी. वेरी गुड. क्या पढ़ा आपने उसमें? उसके अंदर सर ये होता है कि अपने माइंड के थ्रू अपने यानी कोई चीज यानी किसी के प्रति अपनी जो लगाव होता है उससे अपने सर उस चीज को एम पा सकते हैं. okay. उसके तरह इसमें ये नहीं होता कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव वे चलता है, अगर नेगेटिव टू नेगेटिव भी जाते हैं वो भी चलता है. ओके वेरी गुड. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो आप मानते हैं इन पॉजिटिव एटीट्यूड बुक्स का बेनिफिट? इनका सर अपना एक ये होता है कि माइंड सेटअप हो जाता है सर. एक माइंड की भी एक सर वो कंडीशन होती है जिसमें सर माइंड की एक वो स्टैटिक पोजीशन होती है सर. ये भी आम इंसान की तरह रिच और पुअर की कैटेगरी के अंदर आते हैं सर. ओके. कितनी बुक्स पढ़ चुके हो आप अभी तक? अभी वैसे मैंने अभी रिसेंटली द रिच डैड पुअर डैड भी. कितनी नंबर्स? नंबर्स काउंट नहीं किए कभी मैं. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है और अच्छा अच्छा नॉलेज गेन किया. कोऑपरेटिव बैंक जानते हो क्या होता है? यस सर. बताइए. जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग टर्म यूज करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेती है तो वो कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं सर. ओके. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? यस यू कैन ऐड ऑन. कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ एक ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठे आते हैं म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए, मतलब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे. अगर वो काम करने वाली सोसाइटी बैंकिंग लाइसेंस ले लेती है तो वो बैंक बन जाती है. हनुमानगढ़ के बारे में कुछ बताइए, आपका शहर है. हनुमानगढ़ का सर बटनेर फोर्ट काफ़ी फेमस है सर और यहाँ पे सिंधी घाटी सभ्यता भी पाई जाती है जो सर कालीबंगा में पाई जाती है. ओके. जो सर काफ़ी पुरानी है सर, लगभग 5,000 साल पुरानी से माना जाता है सर. ओके. ठीक है. वहाँ पे सर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सर कॉइन और कुछ यानी कॉइन मिले थे सर, आभूषण भी पाए गए थे, कुछ खिलौने और टूटी हुई चूड़ियाँ पाई गई थी जिसके जो कि ब्लैक कलर की थी जिसके नाम. किले में गए हो कभी आप? किले में जी मैं. कितनी बार? लगभग 5 से 6 बार. किसने बनवाया था ये सर? बनवाया था किंग भूपत ने. ऊंचाई कितनी होगी इसके लगभग? ऊंचाई तो मैम नहीं पता. अच्छा कुछ पता है और कुछ ऐसे फैक्ट्स कुछ पता हो इसके? मैम यानी अभी तो जो गुफा बंद कर दी गई, पहले ये माना जाता था कि यहाँ पे एक ऐसी गुफा या सुरंग बनाई गई है जो यहाँ से लेके बीकानेर गढ़ में खुलती है. बीकानेर के गढ़ का क्या नाम है उसका? बटनेर फोर्ट. बटनेर फोर्ट तो हनुमानगढ़ का है उसका जूनागढ़ सर. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छा शाबाश. राजस्थान से आए हो? राजस्थान में इंटरव्यू देने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप इंटरव्यू देने? अजमेर सर. अजमेर देने जा रहे हो, दैट्स वंडरफुल. और देखिए ऑब्वियस है अगर आपका अजमेर है तो वो आपसे अजमेर के बारे में पूछेंगे, राइट? तो जहाँ पर भी हमारा इंटरव्यू हो तो वहाँ के बारे में बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए. आपने कितना टॉपिक कर लिया अजमेर के बारे में? कितने पॉइंट्स आप कह सकते हो कि सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अजमेर के बारे में बता सकता हूँ? नंबरिंग बता सकते हो कि सर इतनी नंबरिंग में बता सकता हूँ? 2 से 3 पॉइंट्स. 2 से 3 पॉइंट्स तो बहुत कम है, क्योंकि देखो अगर आपको कपूरथला जाना है, आपको भी कपूरथला जाना है, तो कि आपको अपने वहां के जगह के बारे में कम से कम 10-15 पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम, और जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां से बारे में 25 पॉइंट्स होने चाहिए, तब कुछ जाके कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने कुछ कर रखा है, राइट? ऑब्वियस है आपने बठिंडा में जॉब कर ली तो आपसे वो बठिंडा के बारे में पूछेंगे, गंगानगर के बारे में पूछेंगे और कपूरथला के बारे में पूछेंगे. 3 प्लेसेस हो गए. अगर आप फ्रेशर हो तो अबोर के बारे में पूछेंगे और कपूरथला के बारे में पूछेंगे, आपसे हनुमानगढ़ के बारे में एज वेल एज अजमेर के बारे में. ओके चलिए अच्छी बात है. यस गर्ल्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ओके शेयर्स क्या है? सॉरी मैम करके जाइएगा, शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लीड बैंक स्कीम सुने आपने? लीड बैंक? ओके करिएगा कोई बात. आरबीआई के बारे में बता सकते हो? यस बताइए. शाबाश. आरबीआई सर इसके पहले आरबीआई की कमेटी बनी थी जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे बाद में हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. ये 1920 में बनी थी. इसने सर अपनी एक रिपोर्ट 1926 में जारी की थी जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई की स्थापना हुई। बैंकिंग एक्ट 1934 इसके अंदर लागू होता है सर। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सर सी डी देशमुख। आरबीआई सर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है जिसके तहत मार्केट की पैसों की तरलता को निर्धारित किया जाता है। अगर मनी फ्लो ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल करता है, कम होता है उसको भी कंट्रोल करके एक स्टेबल कंडीशन अप्लाई करता है सर। वेरी गुड। आरबीआई के अंदर सर एक गवर्नर होता है, चार डिप्टी गवर्नर होते हैं सर, इसकी आरबीआई कमेटी होती है उसके अंदर 21 मेंबर होते हैं टोटल। करंट गवर्नर का नाम उर्जित आर पटेल। और वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? वो 24 नंबर के गवर्नर। और डिप्टी गवर्नर आपने कहा चार हो गए हैं, किसी दो के नाम बता सकते हैं? महेश कुमार जैन और विरल वी एच आर। वेरी गुड। चलिए प्लास्टिक मनी वर्ड सुने आपने? यस। बताइए प्लास्टिक मनी सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सर प्लास्टिक मनी के अंदर आते हैं। इसके तहत अपने को सर कैश फॉर्म में पैसे रखने की जरूरत नहीं होती, कहीं भी शॉपिंग मॉल या कुछ भी अपने सेल परचेज करते हैं तो उसके इसके थ्रू किया जा सकता है। ओके यस यू कैन आस्क फोर क्वेश्चंस भावना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बता सकते हो? फाइनेंस इंक्लूजन ये ग्रामीण क्षेत्रों को सर आरबीआई यानी बैंकिंग ट्रस्ट से जोड़ता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों हाँ जो निम्न आय और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए फाइनेंस इंक्लूजन किया गया। क्या क्या करते हैं बैंक्स इसके लिए? आरबीआई ने क्या क्या किया फाइनेंस इसके लिए? नो फ्रिल अकाउंट खोले जिसके तहत अपने कोई भी यानी बिना कुछ बैंक में डिपॉजिट किए अपने आप खाता खुलवा सकते हैं। और केसीसी बनाई किसान क्रेडिट कार्ड जो कि ये किसान पहले जो जमींदार के चंगुल में थे जो उनसे ज़्यादा पैसे लेते उनकी ज़मीनें यहाँ तक कि ज़मीनें गिरवी रखा कर उन पर कब्जा भी कर लिया करते थे। okay. उनको कम ब्याज दर पर केसीसी प्रोवाइड करो। वेरी गुड। पीएसएल वर्ड सुना आपने? एक्सप्लेन करिए। पीएसएल स्टैंड फॉर सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके यह सर इसके अंदर सर 8 सेक्टर जोर से बोलिए थोड़ा। इसके अंदर सर 8 सेक्टर आते हैं जिसके अंदर सर एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सर। ओके और सर अदर के अंदर वीकर सेक्शन भी आता है सर। ओके और पीएसएल वैक यानी जो बैंक कोई भी कमर्शियल बैंक हो चाहे आरआरबी या फिर अदर कोई भी बैंक हो जो फॉरेन का बैंक हो उसको सर जितना वो अगर किसी को लोन देता है अपना 100% लोन देता है तो उसका 40% सर पीएसएल में देना अनिवार्य है सर उसको। ओके अगर फॉरेन ब्रांच जिसकी ब्रांच इंडिया के अंदर 20 से कम है तो उसको वो अपने एक फेज मैनर के अंदर 5 साल के टर्म में 40% तक पीएसएल दे सकते हैं। 22 से लेके 40% तक वो फेज मैनर में देता है। और सर आरआरबी जो कि स्पेशली ग्रामीण इलाकों के लिए बना है तो वो अपना टोटल पीएसएल 75% पीएसएल के अंदर उसको देना अनिवार्य है सर। और इसके अंदर सर अगर ये भी नहीं कर सकते कि अपने किसी स्पेशल किसी किसान को जो कि अपने को जैसे जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है ऑब्वियसली बात है सर वो अपने को यानी ऋण ब्याज भी ज़्यादा दे सकता है पर उसको ऐसा किसी को ऐसे स्पेशली किसी को नहीं दे सकते सर। ओके केसीसी के बारे में बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं पता आपको? आप विलेज से बिलोंग करते हैं वैसे तो आपको तो ये बातें ज़्यादा पता होनी चाहिए। वो आपसे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पूछेगा, पता है आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नहीं पता? तो देखो विलेज एरिया से अगर आप हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे करके जाने चाहिए क्योंकि आरआरबी यही है। यहाँ पर ये नहीं सुनेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन की इंग्लिश कैसी है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके पास अपनी जो बेसिक बातें हैं जो लैंड से रिलेटेड है, जो अपनी सॉइल इन चीज़ों से, वो कई बार इस क्वेश्चन के अंदर आ जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि आपको ज़्यादा किससे डील करना है। आपको मालूम है किस तरीके के लोगों से डील करना है? ज्यादातर सर ग्रामीण बैंक में किसान ही आते हैं। बिल्कुल आपको वैसे ही लोगों से डील करना है तो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जब तक नहीं जानोगे तो कैसे सक्सेस पाओगे, राइट? सो नो डाउट अभी तो स्केल 1 है तो एज इला इज गोइंग फॉर स्केल 2 एंड शी इज अगेन गोइंग फॉर स्केल 1 तो जब स्केल 2 पे तुम पहुंचोगे तो ऑब्वियस है तब तक तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे, तब तक तुम्हें पता लगेगा हाँ इंटरव्यूअर ऐसे है और ये है। अभी तुमने शायद इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक लाइफ में, राइट? चलिए आपकी वीकनेस बताइए हमको। वीकनेस सर एक तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी यानी इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं है और सर हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है सर। कुछ कर रहे हो आप अपनी वीकनेस इम्प्रूव करने के लिए? सर हाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन कर रखी है सर इंग्लिश। ओके आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत बार पूछते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट?
फिजिक्स एंड मैथ। ओके, ऑसिलेटरी मूवमेंट सुना आपने वर्ड? ओके, आपने हिंदी में सुना होगा राइट? हाँ, क्योंकि वो हो सकता है हिंदी में इसको अलग कहते हो राइट? ओके, धारा की यूनिट क्या है? धारा की यूनिट एम्पीयर सर। श्योर श्योर ठीक है, क्योंकि मेरे पास 12th तक तो फिजिक्स के बाद नहीं थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं, इसलिए मैंने कहा कुछ तो पूछे आपसे राइट। अब देखो फिजिक्स भी टू पार्ट्स है, बड्डी भी आप अच्छे से जानते हो, तो उसके अगली चॉइस है, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि अगला क्या पूछ ले, पर चॉइस है उसकी राइट। और वो भी मैं कहता हूँ साइंस वाले बच्चों को बेनिफिट ये रहता है कि वहाँ साइंस का परसेंट कम चांसेस है। आपका सब्जेक्ट क्या है इला? कॉमर्स है आपका? कॉमर्स, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा डरना चाहिए कि कॉमर्स में बहुत पूछेंगे वो आपसे, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर साइंस के कैंडिडेट से थोड़े से चांसेस कम रहते हैं। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि वहां पर हाँ वैसे आपका पीसीएम है तो शायद मैथ्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज वगैरह पूछ ले, पर चांसेस थोड़े कम रहेंगे। रीजन इज ओनली वन, वहां उनका स्पेशल टीचर रेयर रहता है। हाँ हो सकता है कोई इस तरीके को थोड़ा पढ़ा हुआ, उसके बाद उसने सब्जेक्ट चेंज किया तो उसको नॉलेज हो और वो बहुत इंटरेस्ट रखे राइट। तो कुछ किस्मत भी होती है अगर आपकी लक अच्छा है तो। प्राइम लैंडिंग रेट वर्ड सुना आपने? क्या होता है ये प्राइम लैंडिंग रेट? वेरिएट होती थी सर, अब तो इसे बंद कर दिया गया, इसकी जगह बेस रेट ने ले लिया। पर प्राइम लैंडिंग रेट वेरिएट होती है, जिसके तहत सर पहले क्या होता था कि जो उन्हें बैंक को ज़्यादा, कमर्शियल बैंक को जो ज़्यादा यानी ब्याज दर देते थे ऋण पे, उनको सर वो, या फिर वो जिनके स्पेशल कस्टमर थे उनके वैल्यूबल कस्टमर, उनको सर वो यानी कम ब्याज दर पे सर ऋण दे दिया करते थे, और जो उनके सर वैल्यूबल कस्टमर नहीं थे उनको वही ऋण लेने के लिए ज़्यादा ब्याज दर देनी पड़ती थी, जिसके तहत सर उनको यानी ग्राहकों के बीच भेदभाव होने लग गया था। इसके तहत आरबीआई ने सर पीएसएल को खत्म करके अब बेस रेट लागू कर दिया गया। ओके, देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस सर। क्या पढ़ा इन दिनों आपने? इन दिनों सर एक तो राफेल डील चल रही है सर। क्या उसके बारे में कुछ बताओ? राफेल डील सर, कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये डील हम कर रहे थे, तब तो बहुत कम कीमत पे सर हम जहाज ले रहे थे, उस टाइम राफेल हम 135 खरीद रहे थे, अब जहाँ इन्होंने 32 या 36 के अराउंड ले रहे हो आप, ठीक है, और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर कोई घोटाला है नहीं है? और केंद्र सरकार ये कह रही है कि सर जो भी आर्मी के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसको हम प्राइवेसी रखते हैं, उसकी जानकारी नहीं, अमाउंट नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, ठीक है। और क्या चल रहा है राफेल? कांग्रेस ये कह रहा है, भाजपा ये कह रही है। राफेल एक जो कि एक लड़ाकू जहाज है जो कि फ्रांस ने बनाया है, तो वो यानी ये खरीद रहा है जो कि अभी के टाइम में सबसे पावरफुल वेपन के रूप में यूज हो रहा है। ओके, इन दिनों और क्या न्यूज पढ़ी आपने? बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं पढ़ी आपने? ओके, यस भावना आप क्या कहती हो? आपने भी पेपर पढ़ा होगा इन दिनों, आपने भी पढ़ा होगा इला, तो इन दिनों बैंकिंग से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है? आरबीआई एंड गवर्नमेंट का सेक्शन 7 बहुत ज्यादा बूम पर है ये टॉपिक, आरआरबी मर्जर्स रिगार्डिंग, तो दे वुड आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, तो आप ध्यान रखो कि इंटरव्यूअर है उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछता है, वो आपसे भारत का प्रेसिडेंट पूछ सकता है अचानक, तो उसकी मर्जी चलेगी, वो कुछ भी बात कर सकता है अचानक आपसे, ठीक है। तो अगर आप बेसिक बातें सारी करके जाओ तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। आईबीपीएस समझते हो क्या? एक्सप्लेन सर। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि सर बैंकिंग में जितने भी कैंडिडेट लगते हैं उनको सर आईबीपीएस के थ्रू लगते हैं। वेरी गुड। तो सर ये सर पीएसएस के रूप में सर 1975 को शुरू हुआ था। ओके, ठीक है सर। ये 1984 में स्वतंत्र रूप से सर आईबीपीएस के रूप में बन गया था। okay. और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे सर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, अब आपने नोटिस किया कि इसको नॉलेज तो है, बस थोड़ा सा बताने में और अच्छा बना ले बात को तो और अच्छा लगेगा राइट। जैसे बीच में ये कभी कभी बोल देते हैं ठीक है सर, तो ये मेरी एश्योरेंस लेते हैं ठीक है सर राइट। भावना कभी कभी बोल देती है ऐसा हो क्या, फिर क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करती है राइट। तो इंटरव्यूअर को भैया आप नए नए तरीके मिलोगे और नए नए वो देखेगा आप लोगों को, तो आप इन वीकनेसेस को हटाओ जल्दी से जल्दी। कई बार हम बंदा बोल देते हैं तो हमें पर्सन बोलना चाहिए, व्यक्ति बोलना चाहिए राइट। तो कई बार इला ने कुछ इंटरव्यूज में बंदा बोल दिया। yes. तो वर्ड्स का ध्यान रखो क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की,
तो उसकी जगह आप अपनी प्रोफेशनलिज्म डालो अपनी लैंग्वेज के अंदर और प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो अपने को लगता है कि अपने जो इंटरव्यू देंगे तो क्या नॉलेज है तो इंटरव्यू दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक आप इंटरव्यू की हॉट सीट में नहीं बैठोगे, आप हमारे सामने कितनी बार, काफी बार बैठ लिए, हर बार आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, आपको मालूम चल रहा है। ये इंप्रूवमेंट ही डिमांड करती है, क्योंकि नॉलेज तो तुम एक रूम में बंद होकर भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो, ये बुकलेट क्या और वो मैंने एक और आपको बड़ी बुकलेट दी है वो सब, और ये रजिस्टर के क्वेश्चन आंसर, ये सब आप याद कर सकते हो, ये एक रूम में बैठ के करा जा सकता है। मगर इंटरव्यू की जब तैयारी करने निकले हो तब आपको नए चेहरे चाहिए, हर बार नए फेसेस चाहिए, नए क्वेश्चंस चाहिए, नया वे चाहिए। आपने देखा कभी मैं आपसे कोई बात बहुत ज्यादा सुनता हूं, कभी कभी कोई बात मैं आपकी सुननी पसंद नहीं करता, कभी कभी बहुत ही अलग सी बात मैं आपसे कर देता हूं अचानक। तो इंटरव्यूअर बन के मैं कोशिश करता हूं आपके सामने, और ये प्रैक्टिस ही तुम्हें इंप्रूव करवा रही है। बस ये प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी बार इंप्रूव होगे। क्या लगता है भावना, ये प्रैक्टिस से बेनिफिट मिलता है इनको या आपको? यस सर, मैंने खुद ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील की है कि जितनी बार यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू देते हैं तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होते हैं। बिल्कुल, और सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो बहुत इंटरेस्टेड होना चाहिए आपके अंदर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप किसी के सामने इंटरव्यू देते हो, वो आपका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें आपका इंटरव्यू लेना है, बहुत डिफरेंस है ये। पर जब सामने वाला बेहद इंटरेस्टेड आपका इंटरव्यू लेने में, वो इंटरव्यू जब आप देते हो तो आप रियलाइज करते हो मैं कौन हूं। क्योंकि इस समय आप रियलाइज कर रहे हो कि मेरी इंप्रूवमेंट क्या चल रही है, आज जो तुमने इंटरव्यू दिया वो पहले वाले इंटरव्यू से बहुत अच्छा है। इवन इला, अगर इला के लिए बोलूं तो शी इज ऑलमोस्ट माई स्टूडेंट प्रायर ऑल्सो, शी इज स्टूडेंट फ्रॉम 2010 और अब ये LIC का जॉब भी करके आ गई, तो एक्सपीरियंस भी हो गई, तो उनकी उम्मीदें इनसे ज्यादा रहेगी। एक ऑर्डिनरी स्केल 2 के लिए जो व्यक्ति जा रहा है और एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जा रहा है, एक्सपीरियंस वाले से ज्यादा उम्मीदें रहेगी उनको, और वो इनसे ज्यादा क्यूरीज भी करेंगे, इनसे जॉब से रिलेटेड ज्यादा क्यूरीज होगी, बजाय NABARD पूछने के, RRB पूछने, नहीं, ये चांसेस कम है। इन्होंने जो कर लिया वो जो ज्यादा एक्सपीरियंस, मगर आप फ्रेशर हो तो आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड, RRB से रिलेटेड, आपका माहौल क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यूअर क्या होता है, कभी तैयार नहीं होता क्वेश्चंस के लिए। ऐसा नहीं है उसने एक लिस्ट ले रखी है कि चार बच्चों से तो ये चार क्वेश्चन, आने वाले चार बच्चों से ये चार, ऐसा नहीं है, उसकी मर्जी है। तो इंटरव्यू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आंसर यू स्टार्ट, तो आपका जो वे आएगा, जो प्रेजेंट करोगे आप अपने आप को, उससे वो जज कर लेगा ये आदमी कितने पानी में है और अब मुझे इसको कैसे क्वेश्चनिंग करनी है। और एक बार उसने जज कर लिया, उसने देख लिया ये आदमी को मुझे लेना है कि नहीं लेना, तो बाद में वो कैजुअल हो जाता है, उसको समझ आता है नहीं लेना, उसके बाद वो अजीब सी बातें करेगा तुमसे, हाँ यार ठीक है यार बस ठीक है, दो चार बातें करेगा, फॉर्मेलिटी करेगा, थोड़े से उस तक ही देगा, तो कोई और बोले नहीं लेना तो नहीं लेना। और बहुत बच्चों को लगता है सर इंटरव्यू के कितने से तो नंबर होते हैं, नहीं, इंटरव्यूअर बहुत पावरफुल आदमी है। अगर उसने मन में सोच लिया कि मुझे नहीं लेना, देयर इज वन कैंडिडेट, हिज नेम वाज सुभाष, नाउ ही इज वर्किंग एज अ स्पेशल ऑफिसर इन मदुराई, और उम्मीद है ये वीडियो मैं उसको बोलूंगा तो वो जरूर इस वीडियो के कमेंट में आ भी जाएगा। तो द थिंग इज कि वो व्यक्ति जब इंटरव्यू देने गया तो उसने रियलाइज भी करी इस बात की कि सर वो 1.25 नंबर भी दे देते हैं, हमें महसूस होता है 12 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, 15 कहीं नहीं जाएंगे, 25 तो मिलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनकी मर्जी चलेगी, उन्होंने सोच लिया लेना है तो इतने मार्क्स देते हैं कि आप ये रिटर्न में कम है तो भी आप कवर अप कर जाओगे। तो इंटरव्यूअर बहुत पावरफुल आदमी है, उसको जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना कम है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्लीज आप अच्छे से ट्राई करो, अभी तक जितनी भी आंसरिंग दी वो अच्छी थी। वीकनेस क्या कहते हो, क्या इंप्रूवमेंट अभी डिमांड कर रही है? सर अभी हेजिटेशन का खुलना अभी और बाकी है और okay. थोड़ा सा आई कांटेक्ट में मुझे लगा। ओके okay. तो अपनी आई कांटेक्ट को अच्छा करो, थोड़ी सी अपनी हेजिटेशन को हटाओ। इला क्या कहते हैं इनके बारे में? हम जवाब किसी और का और लास्ट में बोला, जैसे PSL हम पूछे थे, प्राइम लैंडिंग रेट, एक और भी हुआ था। ओके सो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए थे, मतलब एक्सप्लेनेशन सही थी, खुद एब्रिविएशंस गलत बोल गए एक आदमी। ओके तो वो इंप्रूवमेंट आएगी जब आप बार बार अपने आप को इस इंटरव्यू के माहौल से फेमिलियर बनाओगे, क्योंकि ये मेरी गारंटी रहेगी जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तुम्हें इंटरव्यू चैम्बर में ऐसा लगेगा सर ही बैठे हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपसे नहीं पूछेंगे। अब ये प्रेजेंट करने की मेहनत आपकी है कि आप कितनी बार मेरे सामने बोलते हो, मैं चाहूंगा 100 बार आप मुझे इंट्रोडक्शन दो अपना, और शायद अभी तक आप 50 बार दे भी चुके हो, मैंने इतनी बार आपसे सुन लिया है। ये जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है ना इंटरव्यू चैम्बर में, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत से लोग वहां जाके डर जाते हैं। अब जब आप डरे हुए हैं उस समय सारी बातें नहीं निकलती, तो जब आपने ज्यादा किया हुआ होता है उसमें से कुछ बातें भी बता दोगे इनफ है, मगर कुछ करके जाओगे तो उसमें से कितना बता पाओगे ये आपको भी पता है। 15 लाइनों में से 5 बतानी आसान है, 5 में से 5 तो क्या 4 भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि कई बार हेजिटेट हो जाते हो, ठीक है।
तो आई होप स्टूडेंट्स दैट इट्स अ टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, वी कॉल आर स्टूडेंट्स फॉर 7 डेज, हम यहाँ इन्वाइट करते हैं एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, डिफरेंट प्लेसेस पीपल आर रीचिंग अस, वी हैव अ कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम बेंगलोर, फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड सिंस द कैंडिडेट हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, and how are you feeling at PD classes? Are you quite satisfied with everything, with food accommodations also? Yes sir. Okay, what about Eli? Eli is satisfied with PD classes? Okay, what are the benefits you found here by placing this interview? Sir, apna dar khatam kar diya. Okay, sabse badi baat hai ki aap hesitation kyunki bachcho mein knowledge to hota hai, hesitation rehti hai, wo hat jati hai. Bilkul Bhavna, aapki kya raaye hai? Sir, confidence build up hota hai. Okay. Way of presenting. Very right. तो स्टूडेंट्स आई होप दैट दिस सेशन वुड बी फ्रूटफुल, इट्स राइट टाइम, आप ब्लेसिंग्स दीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये कैंडिडेट आने वाले टाइम के अंदर मेरे सामने 100 out of 100 आंसरिंग करेगा, राइट? तो विकास क्या कहते हो, तुम करोगे? श्योर है? क्योंकि मैंने गारंटी दे दी है, राइट? तो इट्स राइट टाइम, मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ. ओके, थैंक यू.